रेफ्रेंस नाम सुनूंगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में शो करने वाला जो गार्डियन गियर्स का 70 लीटर जो टेल बैग है उसको देखने वाला है। इसमें हर बाइक में पैनियर्स और टेल माउंट नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या होता है कि बहुत सही सॉल्यूशन है कि आप टेल बैग का यूज करो। इसमें इसका साइज भी सही होता है। आप ये इमेज देख सकते हो कि ये जो डोमिनार 400 है उस पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से लुक आता है। इसका काफी सही है 70 लीटर। इसका 50 लीटर भी आता है। उसमें क्या है 50 लीटर में, अगर आप नॉर्मल राइड करते हो तो ज्यादा सामान नहीं कैरी करते हो, स्मॉल राइड्स करते हो, तो उसमें इनफ है 3-4 डेज के लिए अपने जो भी क्लोथ्स हैं या फिर जो भी आप सामान लेके जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप थोड़े लंबे राइड करते हो, व्लॉगिंग भी करते हो, बहुत सारे DSLR वगैरह चल रहे हैं या फिर लॉन्ग लॉन्ग राइड्स करते हो जहाँ पे आपको कभी पेट्रोल कैरी करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये जो 7 लीटर है इसके जो साइड में जो दे रखे हैं उसमें आप इजिली 5 लीटर जेरिकेन या 2.5 लीटर जेरिकेन आप कैरी कर सकते हो। तो इसलिए मैं 70 लीटर पे गया। जो भी मेरी राइड होने वाली है आगे वो इस 70 लीटर पे ही करेंगे। मैं प्रॉपर शो करूंगा कि कैसा दिखता है, माउंट कैसे करें, क्या क्या चीज़ के साथ आती है, और मैं पूरा शो करने वाला हूँ डिटेल में। तो फर्स्ट मैं आपको इस बैग को शो करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं आपको और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। फिर इसको हम बाइक पर माउंट करेंगे और देखेंगे कि कितना स्टेबल है। और मेरा एक और रीज़न है कि मैंने पैनियर्स वगैरह पे क्यों नहीं किया। साइज उतना ज़्यादा, मतलब बोलते ना कि एक लिमिट होती है साइज़ की, और फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ बड़े सामान होते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती है जो आपको कैरी करनी होती है, तो आपको अलग से बैग माउंट करने होते हैं या फिर टॉप बॉक्स यूज़ करना होता है। तो टॉप बॉक्स यूज़ करने के लिए वो फिर आपको एक स्क्वायर मिलता है जिसमें आप इजीली थोड़े बड़े चीज़ें भी कैरी कर सकते हो। तो मैं वो उस पर बहुत सेकेंडरी है कि आगे चले कि अगर उतनी मुझे नीड हुई सामान कैरी करने की बाइक पे तो उसका यूज़ करेंगे, वरना अभी ये जो टेल बैग है वो इनफ है। गार्डियन गियर्स का राइनो 70 लीटर जो टेल बैग है वो काफ़ी बड़ा है और आप इजीली लद्दाख वदाख के लिए बहुत ही सही है। अगर आप नॉर्मल राइड करते हो तो लद्दाख वगैरह के लिए बहुत सही है। तो मैं बैग शो करता हूँ। राइनो का 70 लीटर बैग, टेल बैग बोलते हैं इसे, 70 लीटर टेल बैग, और इस ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सीट आती है और ये दोनों तरफ हैंग होता है, मतलब बेसिकली ऐसा लुक आता है कि दोनों पैनियर्स हैं और ऊपर टॉप बॉक्स है। तो इस तरीके से इसका लुक आता है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी सही दे रखी है। 70 लीटर बैग है। इसमें फर्स्ट मैं इस साइड शो करूँ तो इस साइड में क्या है कि यहाँ पे कुशन दे रखा है। जब अगर आप पिलियन सीट पे इसे लगाते हो तो पिलियन सीट पर लगाने पे क्या है कि ये आपका बैक सपोर्ट देगा, तो थोड़ा ये अगर कुछ भी सामान इसके अंदर होता है फिर भी एक ये फॉर्म है यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा बैक को। यहाँ पे आप देखते हो दो ये स्ट्रिप्स दे रखे हैं, ये बेसिकली दो है, ये इजीली माउंट हो जाते हैं बाइक पे, काफ़ी इजी है। मैं शो करूँगा। गार्डियन गियर्स के ब्रांडिंग दे रखी है और ये रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, ये रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो, ये साइड में भी रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, ये सारे रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये गार्डियन गियर्स की ब्रांडिंग यहाँ पे भी दे रखी है। कुछ इस तरीके से बैक दिखता है, ये स्ट्रिप्स दे रखे हैं। अगर आपको इसके बैक के ऊपर, जैसे यहाँ पे बैक के ऊपर कुछ माउंट करना है, एक और बैग रखना है, कुछ रखना है, तो आप इसके यूज से उसको इसमें टाई कर सकते हो। एक बात और दिखाता हूँ इसमें, जैसे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ये ना यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स दे रखे हैं, तो ये इसमें आप इससे बांध सकते हो, या अलग आपके पास और भी बंजी कॉर्ड्स वगैरह हैं उसका भी इसके अंदर से आप इसको ले जाके और यूज़ कर सकते हो। ये आपको दोनों तरफ मिलते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को इसके ऊपर भी माउंट करना। आपके पास एक कोई और बैग है, छोटा हो बड़ा हो, उसको इसके ऊपर माउंट करना। तो ये हो गया कि आप इसको माउंट कर सकते हो इस स्ट्रिप से, और इसके ऊपर भी आप बैग माउंट कर सकते हो इनकी हेल्प से। इसको अगर हम कैरी करें तो कैसे करें, तो इसलिए दो चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, जैसे आप दोनों तरफ हैंडल दे रखा है, तो इसको इस तरह आप लिफ्ट कर सकते हो इन दोनों का यूज करके दो हुक के साथ, ये आपको मिलेगा। क्वालिटी काफी सही है, ये आप इजिली यहाँ पे इसमें आप लगा सकते हो और ये कैरी करने के लिए बहुत सही बन जाएगा। तो आप इसको ये लगा के इसको नॉर्मल जो बैग होते हैं उसकी तरह भी कैरी कर सकते हो। इसमें यहाँ पे एक आता है, ये मैंने ओपन नहीं किया, ये आप जो भी ऐसी चीजें हैं जो बाइक पे राइड करते हो आपको क्विक एक्सेस करना है, जैसे कुछ कार्ड वगैरह हो गया, लाइसेंस वगैरह हो गया, या फिर पैसे वगैरह हो गए, आप ये नहीं कि आप पूरे रख रहे हो, मतलब कुछ ऐसा जो आपको आगे नीड है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कहीं कुछ दिखाना है कुछ रखना है, ताकि आपको पूरा ओपन ना करना पड़े। तो काफ़ी सही बैग दे रखा है यहाँ पे।
ये रहा इसका जो 70 लीटर का स्पेस है, 5 to 10 days राइड कर रहे हो तो ये इनफ है स्पेस आपके लिए, इतना बड़ा बैग वाला है, ये भी काफ़ी बड़ा है और इसमें आप इजिली 2.5 से 5 लीटर का जैरी कैन आप कैरी कर सकते हो। आई थिंक 5 लीटर थोड़ा बिल्कुल फिट आएगा, उसके लिए आपको आई थिंक ये जो जिप है उसको ओपन रखना पड़ेगा 5 लीटर के लिए, बट आप 2.5 लीटर तो ईजिली कैरी कर सकते हो, बट आप ईजिली इसमें डाल सकते हो और इसको जिप ओपन ही चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बंजी कॉर्ड वगैरह से बांध सकते हो। और इस साइड भी वैसा ही सेम दे रखा है दोनों साइड, और ये रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं इसके ऊपर, ये भी देखते हो आप स्पेस, इसमें भी काफ़ी स्पेस दे रखा है। अब इसमें आपको मिलेगा एक ये गार्डियन गेट्स का जो रेन प्रोटेक्टर है, ये इस कलर का आपको दिख मिल रहा है। क्या होता है कि जब रेन होता है ना तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये ऐसे ब्राइट कलर में ही आते हैं, या फिर आपको ये जो इंटरनल कलर है इसका ऑरेंज इस कलर में आएगा, या फिर कुछ इस कलर में आएगा, तो जैसे रेन हो गया कोहरा हो गया तो उस समय बहुत यूज़ होता है। आप इसको नॉर्मल भी हमेशा लगा के चल सकते, ताकि ना एक विजिबिलिटी बनी रहे रोड पे कि हाँ एक राइडर चल रहा है, और तो जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है उतना सेफ रहता है। जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप राइड करते हो। तो ये हो गया अपना पूरा बैग का, इसको मैं अब प्रॉपर तरीके से माउंट करूँगा और इसमें कुछ चीज़ ऐसे रखूँगा जिससे ये थोड़ा शेप में मेंटेन रहे, और फिर इसको हम बाइक पे माउंट करके देखते हैं कि ये कैसे माउंट करना है और कितनी ईजिली माउंट होता है डिफ़िकल्ट होता है। अभी जो बैग है उसको अभी माउंट करते हैं, पिक करने के लिए ये यूज़ करते हैं यूँ, और ईजिली पिक कर सकते हो। और इसको जो इसका टेल पिनियन सीट है, पिनियन सीट पे माउंट कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं अगर ओपन करूँ सीट को इसके, तो ऐसे 4 स्ट्रिप्स होते हैं जो बांधने के काम आते हैं, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं कि पिलियन सीट पे इसको रखते हैं बैग को, और ये पिलियन सीट पे आप देख सको कि जो इसका शेप है, जो शेप आता है वो ईजिली फिट हो जाता है इस पर, कोई भी सीट पे या फिर पीछे कैरियर लगाओ उस पर, और इसको यहाँ पर माउंट करेंगे। और जो बैक रेस्ट है वो जो राइडर होगा उसका बैक रेस्ट इस पर आएगा, तो ये थोड़ा सपोर्ट भी देगा उसे, हल्का सा कुशन है, ज़्यादा नहीं है, उतना कुछ खास नहीं है, बट है जो भी है। और अब इसको माउंट करते हैं। मैंने इसमें ऐसी कुछ अपने जो हेलमेट वगैरह से आए थे वो डाल दिया है ताकि थोड़ी हाइट मिल सके बैग को। अब इसको मैं लगाता हूँ, जो इसकी स्ट्रिप है इसको लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रिप होती है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे मतलब कि ऐसे हुक सा दे रखा है गोल सा, इसमें ये स्लाइडर है इसमें आप लगा सकते हो और स्ट्रेट है। तो करना कैसे है कि जैसे कि ये फुटरेस्ट है, आप इसमें भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, अपने कोई मेटल चीज़ें जैसे ये है तो इसमें भी कर सकते हो। तो मैं अभी इस क्योंकि मैं पिलियन है नहीं तो फुटरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें ही ट्राई करता हूँ। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसको आप यूँ कर सकते हो और इसमें लगाना है और इसको यूँ निकाल देना है बस, और इसको यूँ टाइट कर देना है, इसको यूँ टाइट कर देना है, और इसको फिर आप यूज़ करना है इसमें, मतलब इसको इसको यूँ करना है और इसको अगले वाले से निकाल देना है। तो इसको मैं फुल टाइट नहीं करूँगा, जब सेकेंड वाला लगा लेंगे तब टाइट करेंगे, और इसको इसके अंदर ऐसे फुट कर देना है। तो ये आपका हो गया, अभी मैंने इसको लूज रखा है। सेकेंड साइड करते हैं, सेकेंड साइड भी सेम करते हैं, इसको निकालते हैं, और काफ़ी पतला है, सही है ये, इसमें हो सकता है, यहाँ भी आप टाइट कर सकते हो बट मैं इसमें ही करूँगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और इसको हम यहाँ से ले सकते हैं, सेम इसमें ये लगाएंगे। अभी बाइक थोड़ी टिल्ट खड़ी है क्योंकि इसमें मिड स्टैंड नहीं है, तो इसको हम टाइट कर लेंगे, इसको डालना है इसके अंदर। दूसरी साइड भी टाइट करता हूँ मैं, इस साइड इसको टाइट कर देते हैं। अब ऐसे तो कि दोनों तरफ टाइट हो गया, और अभी इसका ये कहीं जाएगा नहीं, बट ये है कि एक सपोर्ट पीछे की ओर से भी चाहिए, पीछे की जो तो ये दो रखे हैं, ये है कि ऊपर अगर किसी कोई और बैग माउंट करना है तो उसके लिए ये यूज़ होगा। और अभी एक यहाँ पे एक और है जो कि ये है, और एक बात और, जो मैंने ये स्ट्रिप निकाला था सीट का उसके अंदर से भी ये कर सकते हैं,
एक और शो कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको लूज़ किया और जब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो मैं इस स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये ज़्यादा मूव नहीं होगा। जैसे देखो बिकॉज इसके साथ आ गया ये है, और फिर मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा इसको पीछे रखना है क्योंकि ये ज़्यादा आगे ना आए मेरे पे, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट करूँगा ना तो ये जितना टाइट करूँगा उतना ही आगे की ओर आएगा और मुझे यहाँ पे सीट पे थोड़ा दबाएगा, मतलब आगे टैंक पे। तो इससे डोमिनो में बेनिफिट हो सकती है कि बैग यहाँ पीछे रहेगा, इसके साथ लेके आते हैं तो ये ज़्यादा बेटर लगा मेरे को, क्योंकि अब इस साइड से दोनों डिफरेंस देख सकते हो कि इस वाले में किससे आगे की ओर झुक रहा है और इस वाले में ये थोड़ा रुक गया यहाँ पे, और ये भी स्ट्रिप ज़्यादा दूर नहीं है तो जिससे फंसने से का चक्कर नहीं है, और ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये मतलब ज़्यादा स्टेबल है कि मैं इसके थ्रू लगाऊँ। तो इस साइड अभी ऐसे रहने देते हैं और अब क्या करते हैं कि ये दो स्ट्रिप, इस वाले स्ट्रिप को देखते हैं, ये सिंपल स्ट्रेट होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रिप है और दो हुक है। ओके, आप इसके थ्रू या नीचे से पूरा पूरा इसके रोटेट करके आप यहाँ से ला सकते हो टेल के साथ और अटैच कर सकते हो। इसमें भी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो आप जैसा सूट करे। इसको फिर मैं इसके थ्रू यहाँ से, इसके थ्रू लेने से फ़ायदा ये है कि एक स्टेबल ये थोड़ा करेगा, इनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा। क्या होता है राइड होती है तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे रोड आएंगे हाईवे आएगा तो ये उसको थोड़ा सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर एक तरफ लूज़ होता गया तो एक तरफ झुकती जाती है अगर ज़्यादा वजन हुआ तो उससे ये थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। अब जब मूव भी कर रहा हूँ ना तो अगर ये डायरेक्ट लगा होता तो मूवमेंट काफ़ी बड़ी होती है इसकी, क्योंकि चारों हिल रहे होते और इन चारों ने जो किया उसको एक बांध दिया है जो कनेक्शंस है तो सही है। तो ये है माउंट इसका। तो ये गार्डियन गियर्स का राइनो माउंटिंग है, वो भी बहुत सही दे रखी है, मतलब कि क्वालिटी सही है उसकी, जो हुक्स वगैरह होती हैं, और इसमें रेन कवर भी इसके साथ आता है तो उतनी दिक्कत भी नहीं है। इसको मैंने पहन के राइड भी किया, थोड़ा और स्टेबल कर सकते हो आप इसे बंजी कॉर्ड से, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, टाइट बांधा नहीं है इसको, थोड़ा टाइट बांध के और बंजी कॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे थोड़ा और स्टेबल हो जाइए और सही से काम करे। बाकी कैपेसिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और आगे जिसे पैनियर की जरूरत होती है ना तो पैनियर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बाइक। इसमें क्या है कि थोड़ा बाहर है, पर पैनियर से क्या होता है कि पूरा फिर एक आपको लगता है कि मैं एक ऑटो टाइप का चला रहा हूँ, और क्योंकि उसका पीछे से पूरा यूज हो जाता है, फिर आपको हमेशा हर जगह मोड़ पे थोड़ा देखना पड़ता है जाम में कि वो टच ना हो किसी से, वो हल्का टच होती बाइक गिर जाती है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि इससे वो थोड़ा बेनिफिट है, और सही है इतना 70 लीटर सामान के लिए जितना हमें कैरी करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ये है गार्डियन गियर्स का राइनो 70 लीटर, आई होप आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।